वेल, अब तक आप जानते होंगे बुड मोवादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल हैं फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से, वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जाइए और चेकआउट करिए budmo.com को। हाय गाइस, हाउ यू ऑल डूइंग। ये है MG की एस्टर, और ये जो गाड़ी है ये टक्कर लेगी Hyundai की क्रेटा से और किया सेल्टोस से। अगर आप उन दोनों गाड़ियों के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो MG आपके लिए वो ऑल्टरनेटिव लेके आया है। और क्यों आपको इस गाड़ी पे पैसा लगाना चाहिए या क्यों ये गाड़ी देखनी चाहिए, वेल, इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स लिस्ट है वो बेस्ट इन द सेगमेंट है। एडवांस फीचर्स हैं इसमें, सेफ्टी किट बहुत बेहतरीन है और AI टेक्नोलॉजी इस गाड़ी के अंदर है। इट रियली इज़ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। वो सारे फीचर्स क्या क्या हैं हम आपको अंदर चल के बताते हैं। लेकिन अगर इस गाड़ी का फेस आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पहले कभी देखा है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये जो गाड़ी है ये आप देख चुके हैं पहले मेरे चैनल पे भी। अब वो कौन सी गाड़ी है और किस गाड़ी पे बेस्ड है वो मैं नहीं बोलूँगा, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एनीवेज, दिस इज़ आशीष मसी एंड यू वॉचिंग मी ऑन माई चैनल आशीष मसी कार्स। इफ यू कम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज़ यू सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द MG एस्टर। हाँ, तो जल्दी से आपको इस गाड़ी का एक वॉक अराउंड करके दिखा देते हैं। जो सबसे बेहतरीन बात है इस गाड़ी की वो इसकी ग्रिल और इसका फेस, और बहुत ही प्रोमिनेंट डिज़ाइन है, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। जो ग्रिल है इसकी ये यहाँ बीच में, तो इसके जो रेक्टेंगल हैं बहुत छोटे हैं लेकिन बाहर जाते हुए बड़े हो जाएँ तो बड़ा ही एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, ऐसा लगता है कि स्प्लैश कर दिया किसी लोगों के ऊपर। साइड एंगल की अगर बात करते हैं तो जो लाइट्स हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, प्रोजेक्टर लैम्प्स हैं, बहुत ही शानदार लगती हैं। और जो इसके नीचे फॉग लैम्प्स हैं ये भी LEDs हैं, बहुत अच्छी स्ट्रिप है। सो इट्स वेरी वेल कनेक्टेड का इन टर्म्स एप्स टेक्नोलॉजी द लुक्स, एंड इफ़ यू मूव टू द साइड यू विल सी अ वेरी नीट एंड क्लीन सिलुएट। बहुत ही साफ सुथरा सा डिज़ाइन है, सिंपलिस्टिक डिज़ाइन तो जरूर है लेकिन अट्रैक्टिव। नीचे आप आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि MG ने गाड़ी पे किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। कॉन्टिनेंटल के टायर्स आते हैं फैक्ट्री से, विच इज़ वेरी गुड, एंड कॉन्टिनेंटल इज़ वन ऑफ द बेटर ब्रांड्स आउट देयर, इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, व्हेन इट कम्स टू राइड कम्फर्ट एंड ओवरऑल ग्रिप लेवल्स। और ये 17 इंच के पहियों पे आते हैं, 215x55 ऑन 17 इंच व्हील्स। यहाँ पर लाल कैलिपर है इस गाड़ी के, विच अगेन शोज यू दैट दिस का हैज़ स्पोर्टी एलिमेंट्स टू इट ऑन द लुक्स, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक। और यहाँ पे ब्रिटेन डायनामिक्स या ब्रिट डायनामिक्स लिखा हुआ है विद द झंडा ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। सो अगेन बिकॉज MG's हेरिटेज इज़ वेरी ब्रिटिश, दैट्स वाई टू ऑलवेज वॉन्ट टू शो दैट। साइड एंगल की जब बात करेंगे आप, तो जैसे मैंने पहले बताया हल्के से यहाँ पे क्रीजेज हैं, दादा हम ठीक से बंद कर देते हैं, हल्के से यहाँ पे क्रीजेज दे रखे हैं। और सेंसर जिसे कहते हैं टच सेंसर, ये दोनों साइड भी रखा है, ड्राइवर साइड भी एंड ऑन द पैसेंजर साइड इज वेल। आई थिंक दैट दिस कार लुक्स वेरी एलिगेंट एंड इट डजंट ट्राई टू हार्ड, ये ज़्यादा मेहनत नहीं करती है, ज़्यादा जोर नहीं दिखाती है, बट देखने में काफ़ी अच्छा और बहुत ही बैलेंस डिज़ाइन है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई एलिमेंट इस गाड़ी पर जोड़ दिया गया, तो बहुत ही अच्छा और बैलेंस लुक है। पीछे की तरफ जब आएंगे तो एक बारी फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी एस्टर की बैजिंग, ताकि कोई भी भूले ना। और ये जो डिज़ाइन या लोगो कह लीजिए लोग आजकल बीच में लगाते हैं मैन्युफैक्चरर्स, ये एक इंटरनेशनल ट्रेंड बन चुका है, सब लोग अब यहाँ बीच में लगाते हैं। पहले लेफ्ट में या राइट में होता था, आज से 3-4 साल पहले बोर्ड खोलने के लिए MG का बैज को आप दबाएंगे और बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बूट है, नाइस एंड बिग इन स्क्वायर बूट। सो दैट इज़ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ बायर्स विल अप्रिशिएट ऑन दिस कार। और यहाँ पे इसको आप हटा भी सकते हैं ट्रे को थोड़ा सा स्पेस और बनाने के लिए, और जब हटाएंगे तो और भी ज़्यादा स्पेस बन जाएगा। अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो इसके हम आपको बीरोल बाद में दिखाएंगे, बट इसके नीचे स्पेयर व्हील के लिए भी अच्छे तरीके से जगह बना रखी है। सो इट्स अ नाइस प्लेस, नाइस बूट, क्वाइट डीप एंड स्पेशियस, एंड ओवरऑल आई थिंक दिस कार लुक्स वेरी स्मार्ट ऑन द आउटसाइड, वेरी डायनामिक ऑन द आउटसाइड एंड डजेंट ट्राई टू हार्ड टू शो ऑफ इट्स ओवरऑल स्पोर्टी पोटेंशियल। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ MG एस्टर के कैबिन के अंदर। ये जो गाड़ी है ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल फील एंड द एम्बियंस। इस गाड़ी में बैठ के आपको वाकई ऐसा लगेगा कि आप एक प्रॉपर एक्सपेंसिव लग्जरी मिड साइज SUV में बैठे हैं। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है MG ने, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है क्वालिटी के ऊपर, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है स्विच गियर के ऊपर, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है ओवरऑल कंफर्ट के ऊपर, क्योंकि सीट्स भी ये बहुत आलीशान है। अगर आपको ये लग रहा है कि लाल रंग की सीटें कौन देता है गाड़ी के अंदर, ये लाल नहीं है, ये है वाइन रेड। अगर आपने कभी वाइन पी है या कहीं देखी है किसी रेस्टोरेंट में किसी और को पीते हुए, तो ये जो कलर है ये बिल्कुल वाइन रेड वाला कलर, बहुत ही क्लासी और एलिगेंट इंटीरियर लगता है। अब इस गाड़ी के अंदर
जो सेफ्टी किट है उसकी बात करते हैं। सेफ्टी किट के मामले में इट्स द बेस्ट इन द बिजनेस। इनफैक्ट कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि महंगी गाड़ियों में 40-50 लाख की जो ऊपर की होती हैं उनमें भी नहीं आते। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको मिलता है ऑटोनोमस लेवल 2 ADAS। ADAS क्या है? एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम्स। और इससे आपको बहुत ही आराम और सेफ्टी का महसूस होगा जब आप रोड पे निकलेंगे। तो कुछ फंक्शन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर आपको लेन कीप असिस्ट मिलता है, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन मिलता है, यानी कि गाड़ी अगर इधर उधर जाएगी तो ये गाड़ी स्टेयरिंग व्हील अपने आप रेडार्स और सामने जो इसके कैमरा लगा है उनसे रीड करके आपको वापस अपनी लेन में ले आएगा। लेकिन उसके लिए गाड़ी के जो रोड पे चल रही होगी उसके पेंट वगैरह होना या मार्किंग क्लियर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर मिलते हैं बहुत सारे और फीचर्स, जैसे कि इसके अंदर मिलता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, आपको मिलता है रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, यानी कि कोई पीछे से ट्रैफिक अगर आ रहा है तो उसके बारे में। अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, यानी आप क्रूज़ कंट्रोल को लगाइए, स्पीड सेट कर दीजिए और उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है तो गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा लेगी। तो ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी फंक्शन है। अभी काफ़ी लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया था अपनी महिंद्रा XUV700 की वीडियो में, तो एक्सप्लेन करने के लिए आप MG की वीडियोज़ भी देख सकते हैं नेट पे। लेकिन एक बहुत ही सेफ्टी के मामले में बढ़िया फंक्शन है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको बहुत इंटेलिजेंट फंक्शन मिलते हैं, यानी कि आपको मिलता है फॉरवर्ड कोलिजन प्रिवेंशन, यानी कि अपने आप ये गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी अगर कोई सामने पेडेस्ट्रियन आता है या कोई जानवर आता है या कोई गाड़ी सामने से आती है। तो इसके सेंसर्स, इसके कैमराज सब कुछ सेंस कर लेंगे। तो आपको बाकी चीज़ बताते हैं इस गाड़ी के अंदर। अगर आप सोच रहे हैं कि ये दो आँखें आपको क्यों देख रही हैं और ये क्या है और ये क्या आफ्टर मार्केट है, तो नहीं, ये एस्टर का असिस्टेंट है, असिस्टेंस है। और बेसिकली वॉइस इनेबल कमांड बहुत सारे चला सकते हैं, आप विकीपीडिया पे सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सारी कनेक्टेड ऐप्स आती हैं, मैप माई इंडिया की ऐप आती है इसके अंदर, और आप पार्किंग ढूंढ सकते हैं गाड़ी की। जैसे कि अभी हम छोटे फंक्शन करके दिखाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, हम अंदर खड़े हैं। हेलो एस्टर। यस। प्लीज ओपन द सनरूफ। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम एंड समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, समथिंग विच योर किड्स विल एंजॉय एंड समथिंग विच विल ऑल्सो एंजॉय, बिकॉज इसे यूज़ करने में आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में अगले 5 से 10 सालों में गाड़ियों में कितना ज़्यादा हाई टेक फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और अभी वहाँ पर किसी ने चाबी दबा दी गाड़ी की और ताला बंद नहीं था। एनी वेज आई एम वेरी इंप्रेस विद दिस कार्स इंटीरियर। फीचर्स के मामले में अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत बढ़िया फीचर आते हैं। कम्प्लीटली डिजिटल डिस्प्ले आता है, डायल्स का मैं नीचे कर देता हूँ इसको एक बारी अपने कैमरे को अलाउ करता हूँ जाने के लिए। कम्प्लीटली डिजिटल डिस्प्ले है, बहुत ही बेहतरीन है देखने में, वेरी शार्प गेजेस, वेरी शार्प लुक एट। और ये जो टच स्क्रीन है दिस ऑल्सो इज़ अ बिग वन, इज ओवर 10 inches, चलाने में बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। और मेन्यू, सब मेन्यू, सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर दिखाई गई हैं। सावन ऐप आती है इसके अंदर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सब में लग गया है, एंड रियली एवरीथिंग इज सुप्रीम। द की ऑल्सो दिस का लुक्स नाइस एंड वेरी पॉश। ओवरऑल मैं दूंगा MG Aster के कैबिन को, द फ्रंट ऑफ द कैबिन को, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोर 10 में से 10 का। कंफर्ट के मामले में, एक एम्बियंस के मामले में और ओवरऑल फीचर्स के मामले में इस गाड़ी का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। एंड आई थिंक दैट बोथ द Hyundai Creta एज वेल एज द Kia Seltos शुड एक्चुअली बी वेरी वरिड विद दिस कार। एनी वे चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में है कितना दम। हाँ जी, तो मैं चुका हूँ बैक सीट में MG Aster की, और इस गाड़ी में स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। अगर आपकी हाइट है 5'10" 5'11" और आपका शॉफर भी 5'10" 5'11" हाइट का है तो इस गाड़ी में आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं। और सिर्फ स्पेस की बात नहीं, सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बैकरेस्ट एंगल बिल्कुल स्पॉट ऑन है, यहाँ पर आप बीच में आर्मरेस्ट निकाल सकते हैं और तसल्ली से बैठ सकते हैं। और आर्मरेस्ट के अंदर भी बेवरेज होल्डर्स वगैरह लगा रखे हैं, 3 लोग इस गाड़ी में आराम से बैठ पाएंगे। सिर्फ लेकिन सीट कंफर्ट और स्पेस की बात नहीं, जो एम्बियंस है गाड़ी का, जो मटेरियल्स हैं, जो सीट के ऊपर लेदर लगा रखा है, सब चीज़ें बहुत ही हाई क्लास क्वालिटी की हैं और बहुत ही आलीशान हैं। ये एक ऐसी गाड़ी है जो वाकई क्रेटा और सेल्टोस दोनों को टक्कर देगी, और दे सकती है, नहीं देगी। और अभी मैंने चलाई नहीं है इसका पूरा, हम ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इसके फीचर्स हैं, जो इसके अंदर एम्बियंस है, जो सीटिंग है, वो बहुत ही आलीशान है, बहुत ही लग्जरी का फील देती है। एंड डेफिनेटली व्हाटएवर द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस कार, इट्स वर्थ टेकिंग अ लुक एट इट एंड कीपिंग इट राइट ऑन टॉप ऑफ योर मिड साइज SUV शॉर्टलिस्ट। इस गाड़ी का हम जल्द से जल्द आपके लिए ड्राइविंग रिव्यू लेके आते हैं। 1.3 पेट्रोल एंड 1.5 पेट्रोल इज अवेलेबल, दोनों गाड़ियाँ आपको चला के बताएंगे हम। बट उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना
और कमेंट में जरूर कुछ अच्छा लिख के जाना। बाय फॉर नाउ एंड होप टू सी यू सून। और कल है मंडे, टाइम से ऑफिस कल पहुंच जाना, बिकॉज थैंकफुली थिंग्स आर ओपनिंग अप नाउ एंड विल सी यू सून। बाय फॉर नाउ।